हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है NICL यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AO का नोटिफिकेशन आ गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन है या डाउट है कि इसका जो बॉन्ड अमाउंट है वो काफ़ी हाई है। तो उन्होंने बताया है कि उनका जो ग्रॉस सैलरी है, हम देखेंगे नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है, तो ओवरऑल वो 10 लाख के आसपास आता है। और आप में से काफ़ी सारे लोग RBI है, NABARD है, SEBI है, IRDAI है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों को डाउट है कि यार ये जॉब ज्वाइन करे या ना करे। तो चलो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IT भी है यहाँ पर, अकाउंट्स भी है, लीगल की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अभी रिस्क इंजीनियर के उन्होंने क्या किया है, सिलेबस दिया है। और आपने इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो यहाँ पे आएंगे। एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में तो मुझे लगता है कि हार्डली 1000 लोग उनको मिलेंगे, क्योंकि मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है कि जो यहाँ पे एलिजिबल हो। तो चलो ये नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन अभी डाउट ये है लोगों को। देखो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिनके पास जॉब नहीं है, और हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे ये जॉब मिलेगा, उसके बाद मुझे दूसरा भी जॉब मिलेगा अच्छा, फिर मैं ये छोड़ूंगा, फिर मुझे 10 लाख भरने पड़ेंगे। तो ये ना बहुत बड़ी स्टोरी होगी जो हम इमेजिन कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसे हो, मुझे लगता है हार्डली 10-12 लोग होंगे ऐसे पूरे 1 लाख लोग में से कि जो इसको भरना चाहते हैं, कि जिनके साथ ऐसा होने वाला है। तो मुझे लगता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छा जॉब है। हार्डली मैंने आपको कहा ना सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, मतलब जो छोटे डबल डिजिट होते 10-12 लोग, 15-20 मैक्सिमम, उतने लोग ऐसे होंगे कि जिनको इससे भी अच्छा जॉब मिलेगा और वो छोड़ेंगे। तो ये सोच के कि यार इतना बड़ा अमाउंट है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बॉन्ड ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है, और रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिन्होंने थोड़ी सी दिक्कत की है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिलेबस है, ये तो आप सबको पता है। जर्नलिस्ट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेशलिस्ट में मुझे लगता है अगर आप रिस्क इंजीनियर भरना चाहते हैं तो कट ऑफ बहुत कम रहेगा। तो रिस्क इंजीनियर भरने में रिस्क है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी होता है, तो ये जॉब मिलने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है अगर आप रिस्क इंजीनियर में भरेंगे। ये कॉल आपको लेना है, मुझे ऐसे लगता है अगर मैं इस केस में होता तो मैं रिस्क इंजीनियर को अप्लाई करता थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट पे मैं अच्छे से फोकस करूँगा। और यहाँ पर मिनिमम जितना चाहे जितना लगता है उतना करके मैं इसको क्रैक करूँगा, क्योंकि जर्नलिस्ट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, 80,000 रुपये। तो 12 महीने का इंटू 80 के ये हो गए आपके 960K, ठीक है। 960K यानी कि आपको पता ही है 960,000, यानी कि 10 लाख के आसपास आप पकड़ लीजिए, ठीक है। और प्रोबेशन में अगर आप छोड़ते तो आपको 25,000 भी यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप 11th महीने के बाद छोड़ते तो आपको 11 × 8 एंड देन उसमें 25 ऐड करना पड़ेगा। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, किसी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ आपको क्या है, उन्होंने क्या कहा है, 4 साल का। अगर आप 1 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको ये पूरा भरना पड़ेगा 9.6 लाख, ठीक है। ये हो गया 1 साल का। अभी उन्होंने क्या किया, प्रोपोर्शनेटली, यानी कि 2nd, 3rd एंड 4th, अगर देखो 4 साल आप करते हैं तो आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करते हैं तो। अभी प्रोपोर्शनेटली ये कम होगा, यानी कि अभी ये 3 साल में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 3.2, इस तरीके से वो कम होगा। यानी कि अगर आप 2nd ईयर भी कंप्लीट करते हैं तो आपको ये 9.6 माइनस 3.2, ये हो गया आपका 6.4 भरना पड़ेगा। अगर आप 2 साल या 3 साल के बाद छोड़ते तो इसमें से आपका 3.2 फिर से माइनस होगा, आपको सिर्फ 3.2 भरना पड़ेगा अगर आप 3 साल के बाद छोड़ते हैं तो। इसका मतलब ये है, तो आप मुझे बताओ किसी ने ऐसा एक्सप्लेन किया है कि आपको, तो मुझे लगता है। और RBI में, NABARD में, SEBI में बॉन्ड आराम से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और SIDBI में रिसेंटली मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने मैसेज किए थे कि सर NICL ट्रांसफ़र करने को रेडी है, लेकिन SIDBI में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसे बहुत कम सिंगल डिजिट लोग रहने वाले हैं जिनको NICL भी मिलेगा
और उसके बाद वो RBI नाबार्ड से भी क्लियर करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत अच्छा जॉब है। रेगुलेटरी बॉडी आप जॉब छोड़ देंगे तो उसके बाद LIC और NISCL ये जॉब है, अच्छे जॉब है। बॉन्ड की चिंता मत कीजिए, अच्छा जॉब मिलता है तो आराम से बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमारे रिजल्ट है लास्ट ईयर के, सक्सेस स्टोरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे का 47% का डिस्काउंट है। यहाँ पर एक प्रॉपर फुल गाइड दिया हुआ है, यहाँ पर कट ऑफ क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिए, इसका लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर। अगर बॉन्ड के बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।